नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं आपके साथ आरती द्विवेदी। धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी ने ग्राम पंचायत गड़ई गांव में ग्रामोदय शिविर के माध्यम से मीडिया से चर्चा के दौरान शासन के द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं से ग्रामवासियों को कराया अवगत। आने वाले 2 वर्षों में संपूर्ण मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे सभी ग्राम। देखें पूरी रिपोर्ट। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, अपने देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि ग्राम के जनता जो गरीब है, जो किसान है, जो पीड़ित है, उसको कहीं यहाँ वहाँ उसको चक्कर न लगाना पड़े, अपनी समस्याओं को निराकरण करें, चाहे वो नक्शा खसरा का नकल लेना हो, चाहे उसका नामांतरण का हो, चाहे उसका कुल्ली फाट बंटवारा का हो, चाहे उसको खाद्यान्न पर्ची का मामला हो, चाहे बिजली के बिल से विसंगतियों का मामला हो, चाहे नल जल बिगड़ गए हो तो सुधार कराने के लिए हो, चाहे और तमाम पेंशन नहीं मिल रहा है, तमाम माने जितनी तरह की समस्याएं हैं वो इस शिविर में सुना जाएगा। उनको जन सुनवाई के जैसे जो आवेदन करते हैं 181 जो करते हैं, वो आज यहाँ मान लीजिए कि जन सुनवाई भी हो रहा है और 181 उसका वो तो केवल वहाँ आवेदन कर दिया जाता है लेकिन निराकरण बाद में होता है। यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आवेदन करेंगे और तुरंत उसका निराकरण होगा और 5 बजे तक उनको निराकृत करके उनको बता दिया जाएगा। जो इस शिविर के माध्यम से यहाँ पर तत्काल उनको यदि हम लाभ नहीं दे पाने में स्थिति है, कुछ ऐसी सरकारी प्रोसेस है कि नहीं कर पाते हैं, तो उसको यहाँ से आगे अग्रेसित कर दिया जाएगा और फिर उसका भी निराकरण करके उनको भी अवगत कराया जाएगा और उन हितग्राहियों को उसका लाभ दिलाया जाएगा। सर, ये गड़ई गांव की समस्या है, बिजली पानी सड़क, ये बहुत हमने बता दिया कि जो यहाँ का मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे बिजली का है, मैंने कहा है कि जिन टोला मोहल्ला जिन घरों में नहीं है उनके यहाँ पर आवेदन कर देंगे कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, वो समय उसको सबको इकट्ठा करके वो बिजली विभाग को भेजा जाएगा। यहाँ पर सौभाग्य योजना का द्वितीय चरण का सर्वे प्रारंभ हो गया है और जैसे उसमें जैसे आवेदन आएगा जहाँ पर बिजली नहीं है तो वहाँ पर सर्वे करा करके उनको वहाँ पर विद्युतीकरण करके उन घरों में बिजली लगवाया जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पर पानी का जो आप समस्या बताए हैं, यहाँ पर पेयजल के माध्यम से, नल जल योजनाओं के माध्यम से यहाँ का जो पानी का नल जल योजना है वो स्वीकृत हो गया है। हम कुछ दिनों में आकर के यहाँ भूमि पूजन करेंगे, उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। सभी घरों में, कोई एक घर नहीं, सभी घरों में अब नल जल के माध्यम से उनको पानी, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा हमारे अभी में तमाम यहाँ सर्वे भी चालू है, मैंने अब भूमि पूजन भी शुरू कर दिया, टिकरी में कर दिया, गिजवार में कर दिया, मड़वास में कर चुके हैं, अब गड़ई गांव में और यहाँ झारा में 2 यहाँ है होना है, उधर टमसारा और भुईमाण में होगा। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है कि 2024 तक ना तो एक घर में माने कोई भी घर नहीं बाकी रहेगा जो पानी के नल के कनेक्शन से वंचित रहेगा, शुद्ध पेयजल उसको हम देंगे। 2024 तक सभी को पक्का आवास देंगे जो कच्चा घर में रह रहा है, जिसके पास घर नहीं है। तीसरा, 2024 तक हम सभी के घरों में बिजली पहुंचा करके उनको उसका लाभ देंगे। और भी जो भी है, जैसे अभी यहाँ तक बता रहे थे कि कटरा से गड़ई गांव से परासी भरसंडी रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग है, उसकी स्वीकृति हो गई है, आने वाले समय में टेंडर प्रक्रिया पूरा होने के बाद काम शुरू होगा और ये गांव भी परासी से, भरसंडी से, कटरा से, ये मुख्य मार्ग से, मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से ये जोड़ देकर जाएगा तो यहाँ के लोगों को आवागमन का सुविधा मिलेगा।